हमारी बच्ची का नाम आसिया है। ट्यूशन को जाते थे उन्हों, एक दरिंदा बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। हमारी छोटी बच्ची देख के हम लोगों को घर में बोलने से हम लोग 7 साल के है। कहाँ रहते आप? हम लोग यूसुफन कॉलोनी में रहते। बच्ची के साथ गलत हरकत करे बोल के मालूम हुआ, अब हम लोग PS को आए हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना। फोन करे वो ट्यूशन के सर करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। एक ट्यूशन टीचर ने 7 साल मासूम बच्ची को बनाया अपनी हवस का शिकार। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके गुलशन इकबाल कॉलोनी में अंसार नामी एक शख्स स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। मुकामी एक मासूम लड़की को 8 दिन खबल अंसार ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची डर के मारे 8 दिन से ट्यूशन नहीं जा रही थी। इसी को देखते हुए वालिदैन परेशान हो रहे थे। मुसलसिल लड़की से पूछने पर वो बता नहीं रही थी, लेकिन उसकी छोटी बहन ने वालिदैन को अंसार की सच्चाई बताई, जिसके बाद चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में सोशल एक्टिविटी सफिया माही के साथ उसके वालिदैन ने अंसार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बाद जदा चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात उन्हीं की जुबानी। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर कीजिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, टीवी न्यूज हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, हमारी बच्ची का नाम आसिया है। ट्यूशन को जाते थे उन्हों, एक दरिंदा बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था। हमारी छोटी बच्ची देख के हम लोगों को घर में बोलने से हम लोग 7 साल के है। कहाँ रहते आप? हम लोग यूसुफन कॉलोनी में रहते। क्या हुआ मैं? वही बच्ची के साथ गलत हरकत करे बोल के मालूम हुआ, अब हम लोग PS को आए हमारी बच्ची के साथ इंसाफ होना। फोन करे वो ट्यूशन के सर करे। क्या नाम है इनका? अंसार है। ट्यूशन को जाती थी बच्ची? ट्यूशन को जाती थी, 2 महीने हुआ बच्ची ट्यूशन जाने लग के। बस इंसाफ होना हमारे एक बच्ची के साथ। हमारी बच्ची ट्यूशन जाते थे, 7 साल के हैं उन्हों, वो सर बच्ची के साथ गलत हरकत करे और 5 बच्चे पढ़ते थे उनके पास 2 महीने से। अब उन्हों कल हम लोग कंप्लेंट दिए, इन लोग खाली फिराते जा रहे PS को। अब दिए वो भी बच्ची का। कौन से PS में दिया? ये चंद्रायन गुट्टा PS। वही बच्ची को ले के आए हम लोग, अब वो फिराते जा रहे हैं लोग। हम लोग यूसुफन कॉलोनी में रहते। PS से भरोसा हाफिज गए हम लोग, भरोसा वहाँ भी बच्ची का पूरा वो ले लिए, बच्ची का स्टेटमेंट ले लिए, ले लेके फिर हमको यहाँ भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफिया माई, ह्यूमन सेल, RI डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट BM। यहाँ चंद्रायन गुट्टा PS लिमिट में एक यूसुफन कॉलोनी का केस आया है। ये 7 साल की बच्ची के साथ प्रिंसिपल गलत हरकत कर रहा था। उसकी छोटी बहन देख ली, वो बच्ची है 8 दिन पहले हुआ, लेकिन वो बच्ची घर पे डर के ट्यूशन नहीं जा रही थी। घर वाले उसको डेली फोर्स कर रहे ट्यूशन जाने के लिए, बच्ची के दिल में डर बैठ गया, वो नहीं जाती बोल रही थी और घर वाले गलत सोच रहे थे। इत्तेफाक से कल उनके बड़ी बहन के कुछ बच्चे घर आए हुए थे, तो बच्चा भी वही बोल रहा कहते मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, सर अच्छे नहीं है, गलत हरकत करते बोल। तो फिर ये बच्ची 5 साल की जो इनकी बच्ची है, वो बच्ची बोली कहते हो फलाना दीदी के साथ भी ऐसा करा, बेडरूम में लेके जाके गलत हरकत करा बोल के। अब ये ज़माने में आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के जो नारा लगा रहे, बेटी ना घर में सेफ है ना स्कूल में सेफ है, आखिर बच्चियाँ जाए तो जाए कहाँ? हमारे अब ये बात बंगारू तेलंगाना बोल रहे आप लोग, ये बोल रहे वहाँ पर बच्चियों को सेफ्टी नहीं है। हमारी हुकूमत से KCR साहब और कमिश्नर साहब से हमारी गुजारिश है, जो सज़ा सऊदी में सुनाई जाती है, यहाँ के बलात्कारियों की भी आप वही कानून निकालिए तो ये किस्सा ख़त्म होगा, नहीं तो ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। बार बार हम आप लोग से बोल रहे ये बलात्कारियों को सऊदी में जो कानून है वही यहाँ पर इन लोग को सज़ा दीजिए। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कांटेक्ट करिए इस नंबर पे। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में, घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटीशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी,
फोटोग्राफी एल्बम के साथ दुल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करेंगे।